जब मैं बॉम्बे आई तो आई असिस्टेड इन टू एड्स एज अ कॉस्ट्यूम एडी वो सबसे छोटे वाले लेडीज नहीं होते hmm. <laughs> वो वाला सो आई गेव फॉर डेज डेज एंड में मेरा फर्स्ट एड क्रैक हो गया था दैट वॉज फॉर डोमिन एंड आई वॉज वेरी हैप्पी कि यार मेरा मैं सिलेक्ट हो गई क्योंकि उस ऑडिशन के लिए पहले लाइंस लगती थी hmm. तो कम से कम ढाई सौ तीन सौ लोग एक ही स्टूडियो के बाहर खड़े रहते थे hmm. एक एक करके लाइन hmm. हो गए थे तो उसमें हो गया था इट वॉज अच एंड मैंने वो भी किया है मतलब पीछे पासिंग भी दी है uh, तो एक uh, करण जौहर और दीपिका पादुकोण का एक एड था अच्छा। तो उसमें मैंने पासिंग दी है पीछे ऑल्सो आई वॉज वेरी हैप्पी दैट डे कि वो होता है ना कि आप लाइट सेट करते हो तो दीपिका पादुकोण की uh, वो चले जाते स्टार्स वाला था क्या शायद जियो जी, का था अच्छा जियो का कोई फर्स्ट एड था धर्मा का तो वो जब चली गई थी तो वो लाइट सेट करना था तो उन्होंने बोला एक्सक्यूज मी एक्सक्यूज मी आप प्लीज़ यहाँ पे खड़े हैं तो मैं तो उसी में खुश हो गई थी कि यार <laughs> तो तो मैं दीपिका पादुकोण की जगह वहाँ पे उन लोगों ने मुझे खड़ा किया है सो फॉर मी साइकोलॉजिकली ये छोटी छोटी चीज़ें जो थी इट वर्क फॉर मी और इट वॉज ऑलवेज लाइक अ स्टेप अप फॉर मी तो ये था और फिर uh, जो भी काम मिलता था छोटा मोटा तो आई यूज टू कीप डूइंग तो यशराज में छोटा सा रोल था यदि बैंड करके हाँ एक फिल्म आई थी तो उसमें एक रिपोर्टर का रोल था तो उसमें भी सिलेक्शन हो गया था सो ऑब्वियसली आई वॉज इनिशियली नॉट हैप्पी क्योंकि जब आपको करना रहता है तो आप तो बड़ी चीज़ें ही सोचते ना अरे hmm. मैं तो हीरोइन ही Heroine. बनूंगी hmm. तो आई वॉज़ नॉट हैप्पी लेकिन फिर मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था तो so, तब मैंने वो किया एंड जब ऐड कर रही थी आई आई रियलाइज कि यार आई डोंट वॉन्ट टू डू दिस क्योंकि जब आप कैमरे के सामने जब लोगों को देखते हो परफॉर्म करते हुए तो आपको मज़ा आता है hmm. तो आफ्टर दैट आई स्टार्टेड गिविंग ऑडिशंस तो पहले मुझे बहुत डर लगता था कि मुझे ऐसा लगता था कि नहीं होएगा तो कई बार मैं महाडा ऑडिशन्स होते थे वहाँ पे तो मैं ऑडिशन रूम से बाहर आ, से बस आ जाती थी क्योंकि वहाँ पे काफ़ी गुड लुकिंग लोग खड़े होते थे तो मैं मुझे डर लगता था तो कम से कम आठ दस दिन मैंने ऐसे ही किया मैं जाती थी रोज़ तैयार होके और फिर मैं वापस भाग के आ जाती थी एंड फिर देन वन फाइन डे मैंने सोचा कि नहीं ठीक है इट्स ओके

घर वालों का सपोर्ट कैसा था आई like, थे। बट हाँ फाइनेंशियल स्ट्रगल होते हैं क्योंकि मुंबई है. right. hmm. hmm. है. hmm. तो ये था कि इवन आई वॉज एक्सप्लोरिंग कि ये फील्ड में मुझे जाना है कि नहीं जाना है hmm. क्योंकि hmm. जब तक आप ट्राई नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा hmm. तो जो मुझे काम मिलता रहता था तो आई यूज टू अ वेरी लॉन्ग टाइम किसी को भी आ,

उतनी स्मूद नहीं हो पाती hmm. मुझे बहुत सही लोग मिले एंड uh, पहले घर hmm. में uh, वन बी के में हम छः लोग रहते थे hmm. तो उसी दौरान वाले जो मेरे दोस्त बने हैं वो hmm. अभी तक है मेरे सो दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एंड हम लोग ऐसा होता था कि वो भी एक्टर एक्टर ही थी Achha. तो हम लोग uh, इसी चीज़ पे डिस्कस करते रहते थे कि यहाँ पे ऑडिशन चल रहा है वहाँ पे वो चल रहा है कैसे क्रैक करें फिर रात में हम लोग निकल जाते थे दो बजे तीन बजे क्योंकि मुंबई इज़ वेरी सेफ इसलिए तो हम लोग ऐसे ही घर से निकलते थे ऐसे ही वॉक करते करते चिप्स खाते हुए लाइफ डिस्कस करते हुए यार ये ऑडिशन यहाँ पे ये हुआ वहाँ पे वो हुआ तो वो सपोर्ट वो इमोशनल सपोर्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था जिसकी वजह से मैं सर्वाइव कर पाई हूँ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फुल क्लिप और मैं आपसे वादा करता हूँ कि इसका फुल पॉडकास्ट भी देख के आपको काफ़ी मजा आने वाला है लिंक इन द डिस्क्रिप्शन